अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, अगर आप वारिस पठान की उम्मीदवारी पर अटूट मुत्तफिक हो जाएंगे, यही सबसे बड़ा इंजेक्शन इन लोगों के लिए होगा। भिवंडी से वारिस पठान को जीतना है और जिताकर उसको भिजाएंगे असेंबली में, ताकि वो इन गरीब और मजलूम आवाम की आवाज बन सके। अच्छा, फिर मेरे भाषण के बाद आप देखना, जैसा 16 तारीख आएगी, वो बोलेंगे वारिस जीत गया तो क्या उसकी सरकार बनती, अगर वारिस जीत गया तो क्या मंत्री बनता, अगर वारिस जीत गया तो क्या करेगा। ये कोविड की बीमारी 17 तारीख से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे, फैलाएंगे नहीं। तो इसका इंजेक्शन मैं अभी दे के जा रहा हूं इन लोगों को। अब जिस्म के किस हिस्से पे लगेगा वो आपको मालूम, मैं नहीं बोलूंगा अपनी जबान से, अदब के दायरे में रहकर बोल रहा हूं। अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, अगर आप वारिस पठान की उम्मीदवारी पर अटूट मुत्तफिक हो जाएंगे, यही सबसे बड़ा इंजेक्शन इन लोगों के लिए होगा। ये बोलेंगे ओवैसी जहां इलेक्शन लड़ता वहां पे उम्मीदवार बीजेपी का जीत जाता, अख्तरुल ईमान लड़े किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट से, बीजेपी नहीं जीती वहां पे, मगर ये बोलते हैं। तो मेरे को आज 2 दिन पहले औरंगाबाद में हमारे टीवी के एक मशहूर चैनल की मोहतरम एंकर साहब आई थी, उन्होंने कहा कि आप जहां लड़ते वोट काटते, मिला बिल्कुल सही बोले आप, बोले वो क्या मतलब, मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैं अमेरिका में इलेक्शन लड़ा, कमला हैरिस हार गई, ट्रंप जीत गया। अरे आप बताइए, मैं नहीं जाता हूं हरियाणा, आप हार गए, मैं नहीं गया हरियाणा, मैं गया हरियाणा, बोलो आप नहीं गया। तो एक कांग्रेस के नेता बोले नहीं ओवैसी तुम्हारे भाषण से हरा हो जाता। मैं बोला नहीं मेरे भाषण से नहीं होता, अल्लाह ने मुझे मौकिल दिया, मेरे मौकिलों को भिजा जाके तुम्हारे को हरा के आओ। क्या बात है ये, कोई बात है ये? अरे हम लड़ना नहीं, इनके गुलामी करना, इनके सामने सर झुका के रहना। याद रखो, हम सर झुकाएंगे तो रब्बे कायनात के आगे और किसी के सामने नहीं, हम अपना दिल झुकाएंगे तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने के सामने। ना दिल झुकेगा ना सर झुकेगा, बल्कि सर और दिल को हम एक राह सामने रखकर तुमसे कहेंगे कि भिवंडी से वारिस पठान को जीतना है और जिताकर उसको भिजाएंगे असेंबली में, ताकि वो इन गरीब और मजलूम आवाम की आवाज बन सके।